जैसे कृष्णा, जैसे कि देख सकते हो ये मैंने लेटेस्ट वाघा बनाया है, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, रिपब्लिक डे स्पेशल, जिसमें मैंने 3 कलर्स यूज़ किए हैं, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। ये जो है वो पगड़ी है, और उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने एक सिल्वर जरी थ्रेड यूज़ की है, और उससे मैंने इसको और अट्रैक्टिव बनाया है। तो ये एकदम ही यूनिक है और एकदम ही डिज़ाइनर वागा है, एकदम डिज़ाइनर पोशाक है, और एकदम ही यूनिक है, न्यू है एंड एकदम ही अट्रैक्टिव है और इजी भी है। इसको ये जो सारे ट्यूटोरियल्स मैं अपलोड करूँगी वन बाय वन, इसको ज़रूर देखना और ज़रूर बनाना, आपके कान्हा जी बहुत ही खुश होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कमेंटिंग ऑन माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फर्गेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इन दिस वीडियो। आपके कोई भी सजेशन हो तो वो आप कमेंट कर सकते हो कोई भी वीडियो, कोई भी वाघा की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, नाउ एन्जॉय ट्यूटोरियल्स एंड जय श्री कृष्णा। नाउ टुडे इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू वर्क अ वेरी ब्यूटिफुल वाघा पोशाक फॉर ठाकुर जी, फॉर लॉर्ड लिटिल कृष्णा। सो द थीम ऑफ दिस ड्रेस इज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। सो एज यू आर अवेयर, अकॉर्डिंग टू द कलर्स ऑफ फ्लैग आई विल यूज़ 3 कलर्स कॉम्बिनेशन, दैट इज ऑरेंज, वाइट एंड दिस ग्रीन। सो आई विल यूज़ दिस 3 कलर्स फॉर मेकिंग वागा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजरमेंट। सो दिस ड्रेस आई एम गोइंग टू टेक इट फॉर मेजरमेंट फॉर मेकिंग, वाइल वी विल यूज़ दिस ड्रेस वाइल वी आर मेकिंग दिस न्यू ड्रेस। ओके, तो ये जो ड्रेस है वो सैम्पल ड्रेस है, जैसे कि स्टिचेस जब हम लेते हैं तो उसका शेप और उसकी साइज़ वो मेंटेन करने के लिए मैंने ये सैम्पल ड्रेस लिया है। और इंडिपेंडेंस डे है तो मैं 3 कलर्स यूज़ करूँगी, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। सो ये तो सिर्फ सैम्पल ड्रेस है, ताकि जब भी हम मेज़रमेंट की बारी आए तो स्टिच ज़्यादा लेनी हो या तो कम लेनी हो। काफ़ी बार क्वेश्चंस करते हैं सब, जबकि ठाकुर जी की जो 5 या 6 नंबर के होते हैं तो उस केस में कितनी स्टिचेस लेनी होती है ज़्यादा। तो उसके लिए आपको जो आपका अपना सैम्पल ड्रेस है जो आप पहनाते हो ठाकुर जी को, तो वो वागा है या तो फिर ड्रेस है, तो उसको कंसीडर करके हमें ये बनाना है। तो ये फुल वीडियो देखना, मैं हर एक वक्त बीच में ये ड्रेस ऐड करूँगी मेज़रमेंट के लिए। तो मैं जैसे ये ड्रेस यूज़ कर रही हूँ मेज़रमेंट के लिए, तो वैसे ही आप अपना ड्रेस यूज़ कीजिए। सो लेट अस स्टार्ट अवर वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस अगेन, काफ़ी टाइम लोग क्वेश्चन आता है कि कितनी स्टिच लेनी है, बेसिक 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए, 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए, 3 नंबर के ठाकुर जी के लिए, 0 नंबर के ठाकुर जी के लिए। तो ये जो ड्रेस है वो मैं 2 एंड 3 उनके 2 एंड 3 नंबर के ठाकुर जी के लिए ये मैंने ड्रेस बनाया है। तो ये जो मैं ड्रेस बना रही हूँ वो 2 एंड 3 नंबर के ठाकुर जी के लिए है। अगर नंबर ज़्यादा है, अगर साइज़ ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको जो फाउंडेशन चेन है वो ज़्यादा लेनी होगी। लेट अस सी हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू टेक फाउंडेशन बेस। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट आई एम गोइंग टू वर्क चेन स्टिच। Let us start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, so here I have worked total 18 chain stitch. Now let us see, यहाँ पे मैंने 18 चेन स्टिच वर्क किया है. अब जो मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ वो ये जो फर्स्ट बॉर्डर है नेक की वहाँ से ले रही हूँ, ये बैक साइड है. तो हम इसको यहाँ से रखेंगे और फिर इस तरीके से हम इसका नाप लेंगे. यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक. जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 18 बार चेन स्टिच लिया लेकिन इतना डिस्टेंस अभी भी बाकी है. तो चेन 3 मोर, तो और चेन 3 स्टिच लीजिए, चेन 1 मोर एंड अगेन चेक कीजिए. ये जो है ये बैक साइड है, इस तरीके से आपको चेक करना होगा. तो आपके वाका की जो भी साइज़ है तो उस हिसाब से आपको पूरा मेज़रमेंट लेना होगा. अगर ठाकुर जी की साइज़ ज़्यादा है तो जो भी आप वाका रेगुलर पहनाते हो तो उसे सैंपल लेके, ये जो है ये मैं फाउंडेशन चेन बना रही हूँ तो उस हिसाब से आपको ये फाउंडेशन चेन वर्क करना है. जैसे कि आप देख सकते हो एक स्टिच और ज़्यादा मुझे वर्क करना पड़ेगा. सो लेट अस वर्क वन मोर चेन स्टिच. सो दिस इज़ हाउ यू कैन टेक मेज़रमेंट. ये एकदम ही सिंपल है. ओके, तो ये हमारा हुआ फाउंडेशन बेस. अब जो नेक्स्ट है वो है सेंटर, सेंटर ऑफ योर वर्क. जैसे कि आप पहले फाउंडेशन चेन आपने बना ली उसके बाद आपको सेंटर क्रिएट करना है, तो उसके लिए इसको इस तरीके से कंबाइन कीजिए और उसमें जो ये सेंटर पॉइंट है, दिस वन इज़ अ सेंटर पॉइंट. यू नीड टू डिसाइड द सेंटर पॉइंट बिकॉज सेंटर पॉइंट ये जो है वो यहाँ पे आएगा और यहाँ से हमें ऐसा शेप बनाना है, इस तरीके से यू शेप बनाना है. तो उसके लिए हम सेंटर पॉइंट को मार्क करेंगे. ओके, सो ये जो सेंटर स्टिच है हमारी, सो स्लोली रिमूव योर हुक फ्रॉम हियर एंड इंसर्ट योर हुक एट दिस पॉइंट. टेक दिस स्मॉल यार्न एंड जस्ट मार्क दिस सो दैट नाउ दिस वन इज अ सेंटर पॉइंट. ओके, नाउ विल स्टार्ट वर्किंग डिफरेंट स्टिचेस. Okay, so let us start. This one is a center once again. Okay, now I am going to work shell stitch. अब जो है वो मैं shell stitch work कर रही हूँ, तो उसके लिए chain 2, yarn over and जो next chain है नाउ ये जो फोर्थ चेन स्टिच है फ्रॉम द हुक 1, 2, 3 and 4, सो जस्ट इंसर्ट योर हुक इन टू दिस फोर्थ स्टिच एंड वर्क डबल क्रोशे. तो ये जो फोर्थ स्टिच है वहाँ से मैं अपना हुक इंसर्ट कर रही हूँ और एंड जस्ट वर्क डबल क्रोशे स्टिच. तो ये एक बार डबल क्रोशे वर्क किया, तो ऐसे ही हमें 6 बार डबल क्रोशे स्टिच वर्क करनी है. सो यू नीड टू वर्क 6 टाइम्स डबल क्रोशे स्टिच
from it to the same stitch. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, after doing 6 times double crochet into the same stitch, skip next 2 chain stitch, 1, 2, and insert your hook into this third chain stitch. जैसे कि आपने देखा कि मैंने 6 बार double crochet stitch work किया, तो 6 बार double crochet work करने के बाद हम next 1, 2 स्टिच हम स्किप करेंगे, और जो तीसरी स्टिच उसमें से हम सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे. अब अगेन हम skip next 2 chain stitch, 1, 2, and into this third chain stitch, 1, 2, and into this third chain stitch I am going to work 6 double crochet stitch. तो अब next 2 stitch हम skip करेंगे, और ये जो तीसरी stitch है वहाँ से हम 6 बार double crochet work करेंगे. So yarn over and work double crochet stitch, yarn over again, insert your hook into the same stitch and just work double crochet, 2, 3, 4, we are working into the same stitch, 5, and only one is remaining, that is 6. Okay, so 6 times double crochet I have worked. Now next skip 2 chains, 1, 2, and insert your hook into the next chain stitch, 1, 2, and over here from this third chain stitch and work single crochet. Now as you can see, 2 shells I have created. अब जो है ये हमारा center point है, ये जो है हमारा center point है. तो center point में से हम again 6 बार, 6 नहीं, यहाँ पे सेंटर पॉइंट को ब्रॉड बनाने के लिए हम 10 बार, 10 टाइम्स हम डबल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे. नाउ एज दिस रिमार्क आई हैव जस्ट यूज्ड फॉर सेंटर पॉइंट, सो नाउ फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट आई एम गोइंग टू वर्क टोटल 10 टाइम्स डबल क्रोशे. व्हाई? बिकॉज इट्स अ सेंटर पार्ट, फ्रंट साइडेड सेंटर पार्ट. So that's why yarn over and work 10 times double crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, now this will look like this. Now next I need to skip next 2 chains from the base, 1, 2. 2 chains skip करे, और ये जो तीसरी chain stitch है
वहाँ से हम सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे, यार्न ओवर. नाउ अगेन स्किप नेक्स्ट टू चेन्स, 1, 2, एंड इंसर्ट योर हुक इनटू दिस थर्ड चेन. अगेन ये जो तीसरी चेन स्टिच है वहाँ से हम 6 बार डबल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे. सो 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now skip next 2 chain stitch, 1, 2, and again insert your hook into this third chain stitch and just work single crochet stitch. Now from here, from this last stitch, yarn over and again work 6 times double crochet stitch. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. One more. एक और बार हम करेंगे. ओके, नाउ एज यू कैन सी व्हाट वी वर्क. जैसे कि आप देख सकते हो, यू शेप मैंने क्रिएट कर दिया है एंड एट द एंड इट विल लुक लाइक दिस फ्रंट साइडेड. दिस इज अ फ्रंट साइडेड व्यू. Now it is time to make base for next shell stitch. So for that, अब जो है वो वाइट कलर की शेल स्टिच के लिए हम बेस बनाएंगे. तो उसके लिए फर्स्ट यार्न ओवर, सॉरी जस्ट टर्न योर वर्क. नाउ फ्रॉम हियर, from the next stitch I'm going to work single crochet stitch just to begin this round. Okay, now from here I'm going to work 6 chain stitch and then I'm going to work here single crochet, 6 chain stitch, single crochet over here, 6 chain stitch, single crochet over here. So in this way just continue. So let us start. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 chain stitch and just work single crochet stitch from here. Again work 6 chain stitch. And यहाँ से वापस हम single crochet stitch work करेंगे. Chain 6, 3, 4, 5, and 6. अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये वाला है. बैक साइड पे जहाँ पे हमने लास्ट बार सिंगल क्रोशे वर्क किया था वहाँ से हम
अगेन सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन सिक्स, थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, अगेन ये जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच है वहाँ से हम अगेन वी आर गोइंग टू वर्क सिंगल क्रोशे स्टिच, चेन सिक्स एंड एट द एंड आई एम गोइंग टू वर्क हियर सिंगल क्रोशे एंड जस्ट चेन वन एंड नाउ वी नीड टू कट अवर यार्न। ओके, जैसे कि देख सकते हो ये जो बैक साइड है वहाँ पे मैंने एक बेस बनाया है, अब जो नेक्स्ट है वो मैं वाइट कलर यूज़ करूँगी।